आज हम ऑयल प्रोसेसिंग में मैकेनिकल प्रेशर ऑयल एक्सपेलर के बारे में समझेंगे। सरसों से या तिलहनी फसलों से तेल निकालने की जो विधियां हैं वो दो कैटेगरी में होती हैं। एक केमिकल प्रोसेस होता है जिसमें सॉल्वेंट यूज करते हैं, सॉल्वेंट के द्वारा एक्सट्रैक्शन होता है। दूसरा जो है नॉर्मली लोकल तौर पर मशीन इस्तेमाल करते हैं, जो ऑयल एक्सपेलर होता है उसमें प्रेशर के द्वारा दबाव बना करके तिलहनी फसलों से तेल निकाला जाता है। तो ये जो ऑयल एक्सपेलर होते हैं इनमें मुख्य बनावट में तीन पार्ट होता है। नंबर एक होता है बाहर का केसिंग, इसको बैरल कहते हैं। इसके अंदर एक गोल हेवी स्पाइरल शेप में उभार वाली शाफ्ट होती है, इसको स्पाइरल शाफ्ट या वार्म शाफ्ट बोलते हैं। और इसके लास्ट में एक कोन होता है जिसको चोक बोलते हैं। इस कोन के चारों तरफ एक ग्रिल लगा होता है और इनके बीच में स्पेस होता है। ये स्पेस एडजस्टेबल होता है, इस स्पेस से ही अंदर तेल निकलने के बाद जो बचा हुआ मटेरियल है इसको ऑयल केक कहते हैं, ये बाहर निकलता है। इस शाफ्ट को चलाने के लिए बाहर एक पुली लगी रहती है जिसको इंजन या मोटर पावर से चलाते हैं और ये शाफ्ट घूमता है। मशीन से तेल निकालने के लिए जो सरसों या दूसरा अनाज है उसको हॉपर में भरा जाता है और इसके नीचे एक गेट लगा होता है। इस गेट से अनाज इस मशीन के बैरल के अंदर एंटर करता है और ये जो स्पाइरल शेप उभार है इसके घूमने से ये अनाज धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ता जाता है। ये जो स्पेस है पूरे खाली स्थान में होकर के अनाज बाहर निकल आगे बढ़ता है और जैसे जैसे अनाज आगे बढ़ता है लास्ट में जाकर के ये स्पेस कम होता जाता है और ये पूरे स्थान में अनाज भरता जाता है और इस पर प्रेशर पड़ता है। प्रेशर पड़ने से जो सरसों है या जो भी अनाज है वो गर्म होता रहता है और प्रेशर से इसमें से तेल निकलता है। तेल इसमें नीचे केस लाइनिंग बार लगे होते हैं, अर्थात ये जो स्पाइरल शेप हमारा केसिंग है इसके निचले हिस्से में लोहे की पट्टियां होती हैं, बार्स होते हैं, जिनके बीच में बहुत बारीक स्पेस रहता है, खाली जगह होती है, उसमें से तेल नीचे टपकता रहता है। ये तेल जो है यहाँ से नीचे टपकता है और ये एक पैन होता है ऑयल ट्रे, जितने दूर तक ये तेल गिरने वाला होता है उसके नीचे एक चौकोर प्लेट लगी होती है ट्रे, जिसमें जो तेल है वो रिस करके इकट्ठा होकर के एक तरफ एक कंटेनर में हम तेल को प्राप्त करते हैं। इस मशीन में जो तेल निकलने के बाद बचा हुआ मटेरियल होता है ये जो चोक होता है इसके तरफ से आउटलेट है, ऑयल की एक आउटलेट यहाँ से बाहर निकलता रहता है। केवल एक बार में सारा तेल नहीं निकलता, ये जो केक निकलता है इसमें काफ़ी तेल रहता है और इस केक को रिसाइकिल कर दोबारा हॉपर में डाल करके दो या तीन बार गुजारते हैं जिससे सारा या पूरा तेल निकल जाए। लेकिन इस मशीन से या ऑयल एक्सपेलर से सारा तेल नहीं निकलता, लगभग 6-8% तक तेल केक में बचा रह जाता है। उसको निकालने में काफ़ी मुश्किल पड़ता है, इसलिए ये केक में तेल छोड़ दिया जाता है और ये केक जानवरों को खिलाने के लिए बहुत पौष्टिक तत्व है। ये जो कोन है यहाँ से गैप एडजस्ट करने के लिए दूसरी तरफ व्हील लगी रहती है, इस व्हील को घुमाने से ये कोन पर प्रेशर पड़ता है और यहाँ का जो गैप है ये छोटा होता है। गैप छोटा होने से अंदर खास करके जब ऑयल केक को दोबारा हॉपर में डालते हैं उसके बाद यहाँ से प्रेशर बढ़ाना पड़ता है। प्रेशर इसलिए बढ़ाया जाता है कि जो ऑयल केक है उस पर और अधिक दबाव बढ़ाना पड़ता है, इसलिए व्हील के द्वारा इस कोन को आगे खिसकाया जाता है तो ये ओपनिंग जिधर से केक निकलने वाला जगह वो छोटा हो जाता है और अंदर प्रेशर अधिक पड़ता है और तेल निकल केक में से पूरा तेल निकल जाता है। इस तरह से ये मैकेनिकल ऑयल एक्सपेलर काम करते हैं।
इसके अलावा पूरी प्रोसेस को हम एक फ्लो चार्ट के द्वारा समझ सकते हैं, जो ऑयल प्रोसेसिंग कैसे करते हैं। इसके लिए जो तेलनी अनाज है उनको सबसे पहले खेत से मिलने के बाद सुखाते हैं, उसके बाद सफाई करते हैं, कोई धूल गंदगी नहीं रहे उसमें, इसको फिर स्टोर किया जाता है। इस जो एक्सपेलर होता है, मैकेनिकल एक्सपेलर, इसमें इस तो जो स्टोर किया हुआ अनाज है सीधे एक्सपेलर में यूज करते हैं। बाकी जो दूसरी क्रियाएं हैं उनमें जो ग्रेन है सब तिलहनी अनाज है उसकी हलिंग करते हैं। हलिंग का मतलब उसकी जो छिलका है उसको पहले उतार करके फिर तेल निकाला जाता है, जिससे तेल की मात्रा अधिक होती है। लेकिन इस विधि में इसकी आवश्यकता नहीं पड़ती। कुछ विधियों में कंडीशनिंग करना पड़ता है, अर्थात इसमें कुछ नमी डाल करके इसको पहले गर्म करते हैं, फिर ठंडा करके तेल निकाला जाता है। लेकिन ये विधि ऑयल एक्सपेलर जो है, मैकेनिकल एक्सपेलर जो है, इनमें सीधे सरसों को इस्तेमाल किया जाता है और जो तेल निकलता है यहाँ से उसको फिर छानते हैं और ऑयल केक जो मिलता है इसको जानवरों को खिलाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जो ऑयल मिलता है इसकी फिल्टरिंग करते हैं, फिल्टर मतलब साफ करते हैं, जाली से छानते हैं। इसके बाद तेल को या तो मार्केट में सीधे भी बेचा जा सकता है, लेकिन कुछ तेल जो है या कुछ मार्केट में रिफाइंड तेल बेचना पड़ता है। रिफाइंड का मतलब है इस तेल की और सफाई करते हैं और प्रोसेसिंग करते हैं। पहली प्रोसेसिंग इसमें न्यूट्रलाइज, जिसमें फ्री फैटी एसिड्स होते हैं, उसको कॉस्टिक सोडा मिला करके 60 डिग्री टेम्परेचर तक गर्म करते हैं। इसमें से झाग निकलता है, साफ करते हैं, फ्री फैटी एसिड जो है हट जाता है। दूसरा जो है ब्लीचिंग करते हैं, एक्सपेलर से जो तेल निकलता है वो डार्क, काफ़ी डार्क होता है, उसमें ब्लीचिंग पाउडर मिला करके 110 डिग्री गर्म करते हैं वैक्यूम कंडीशन में, उसका रंग जो है लाइट कलर का हो जाता है, कस्टमर जो है उपभोक्ता को देखने में अच्छा लगता है। तीसरा जो है डीओडरिंग, जो मशीन से तेल निकलता है उसमें कुछ गंध होती है, महक होती है, उसको भी कुछ लोग पसंद नहीं करते, इसलिए इसको और गर्म करते हैं 200 से 220 डिग्री तक गर्म करने से इसकी महक निकल जाती है और फिर ठंडा करके तेल को पैक किया जाता है। इसके अलावा कुछ बड़े प्लांट होते हैं उनमें तेल का हाइड्रोजनाइजेशन करते हैं। हाइड्रोजनाइज करने से जो सरसों का तेल या सिंपल ऑयल होता है वो अनसेचुरेटेड फैटी एसिड वाला होता है। इसमें जो एसिड है वो अनसेचुरेटेड फैटी एसिड कहलाता है। केमिकल बॉन्डिंग के हिसाब से देखें तो जो कार्बन का ये कंपाउंड होते हैं फैटी एसिड्स, उनमें कुछ सिंगल बॉन्ड होते हैं, कुछ डबल बॉन्ड भी होते हैं, अर्थात बॉन्डिंग जो है कार्बन की पूरी सिंगल नहीं होती, इसलिए इनको अनसेचुरेटेड कहते हैं। जो सेचुरेटेड कार्बन बॉन्डिंग होती है उसमें सिंगल सिंगल बॉन्ड होते हैं, लेकिन खाने के लिए जो वेजिटेबल ऑयल होता है वो अनसेचुरेटेड फैटी एसिड वाले ही रिकमेंड किया जाता है, वो अच्छा होता है। हमारे शरीर में तमाम तरह के जो पार्ट्स हैं, वेन्स हैं, हर्ट है, सबके लिए ये अच्छा माना जाता है। तो इस तरह से आज का मुख्य टॉपिक जो है हमारा ऑयल एक्सपेलर द्वारा कैसे तेल निकाला जाता है, इस विधि को समझना था।